और सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पिछला वीडियो देखिए और जानिए कि यूएसए में इलेक्शन कैसे होता है, क्या प्रोसीजर है। तो आज हम बात करेंगे कि ट्रंप क्यों हारा और बाइडन और ट्रंप के बीच में क्या सबसे बड़ा डिफरेंस था। जो बाइडन, जो हो सकता है बहुत से लोग अब पहली बार नाम सुन रहे हैं, लेकिन जो बाइडन जो थे वो बराक ओबामा जब प्रेसिडेंट थे वो उस वक्त के वाइस प्रेसिडेंट थे। कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट बनेगी और उसी के साथ साथ कमला हैरिस विल बी द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन, फर्स्ट एशियन अमेरिकन, फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन और द फर्स्ट वुमेन टू बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है जो बाइडन डेमोक्रेटिक और डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन्स के बीच में, वो मैं आपको यही कह सकता हूँ कि एक तरफ बीजेपी एक तरफ कांग्रेस। बीजेपी आप डोनाल्ड ट्रंप को मान सकते हो और कांग्रेस आप जो बाइडन को मान सकते हो। थोड़ी जो आइडियोलॉजीज है वो इस प्रकार की है। जो बाइडन ने अपनी स्पीच में और प्रेसिडेंशियल डिबेट्स ने भी ये कही थी कि वो सीए और एनआरसी जैसी मुद्दों को कंडेम करते हैं। जो बाइडन की जो आइडियोलॉजीज है वो सेकुलरिज्म की है, लिबरलिज्म की है और वो माइनॉरिटीज़ के प्रति उनकी रिस्पेक्ट भी है, क्योंकि ये बात हमने बराक ओबामा के टाइम पे भी देखी थी। उसी के साथ साथ अगर आपने लेटेस्ट खबर सुनी हो, इंडियंस को सिटीजनशिप दी जाएगी, कुछ मेरे ख्याल से 5 मिलियन इंडियंस को सिटीजनशिप अलॉट कर दी जाएगी और उसी के साथ साथ कई सारे ऐसे जिन्हें अमेरिका की सिटीजनशिप मिलेगी फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज। ये जो सिस्टम था, ये सारी चीज़ें जो थे ट्रंप ने अपनी गवर्नमेंट आने के बाद बैन कर दी थी। मतलब हम चाहे ट्रंप को कितना ही मान लें कि हाँ भाई ट्रंप ने इंडिया के लिए अच्छा किया, हालांकि कुछ अच्छा तो किया नहीं था, जीरो भी कुछ नहीं किया था, हाँ नेगेटिव में उल्टा सीधा गालियाँ खूब की थी, हालांकि हमने नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी में बहुत सारा खर्चा किया था, उसके बाद भी वो कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ कैंपेन था। लेकिन जो ट्रंप की पॉलिसीज थी वो H1 वीज़ा के कैसे खिलाफ थे और उसके बाद कितने सारे इंडियंस को गवर्नमेंट जॉब से निकाल दिया गया था या फिर कई सारे इंडियंस की कि अब आप इंडिया गए हो, अब आप इंडिया में ही रहो, अब वापस आने की ज़रूरत नहीं है, कई सारों की सिटीजनशिप वीज़ा वगैरह सब कैंसिल कर दी गई थी। अब जो एक और चीज़ जो बाइडन ने की है कि नहीं, यूएसए में क्या होता था कि अगर कोई बच्चे की बात हो रही है, अगर कोई बच्चा यूएसए में आ गया किसी भी रीज़न की वजह से, माइग्रेशन की वजह से या कहीं बहता हुआ आ गया, जो आपको याद होगा कि एक इमेज बहुत ही पॉपुलर हुई थी, तो ट्रंप ने किया था कि नहीं उसे सिटीजनशिप नहीं मिलेगी और उसे ना ही रहने दिया जाएगा, ना उसे कोई राइट्स मिलेंगे। जो बाइडन ने कहा नहीं वो सारी चीज़ें भी मिलेंगी। जितनी भी मल्टीलेटरल बायोलेटरल बॉडीज थी, जैसे यूनाइटेड नेशन हुआ, जो सबसे फेमस रहा पेरिस क्लाइमेट चेंज के ऊपर एग्रीमेंट हुआ, नाटो रहा, ट्रांस अटलांटिक रहा, मतलब जितनी भी ऐसी बॉडीज थी यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड, या तो डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को पीछे कर लिया, या तो एकदम साइलेंट बन गया, या फिर उसने उसे ख़त्म करने की कोशिश की गई है। और जो बाइडन ने कहा है कि नहीं वो सारी बॉडीज़ पे दोबारा शामिल होंगे, क्योंकि इन बॉडीज़ का रोल क्या होता है कि अगर सारे ही देश अपने बारे में सोचने लगेंगे तो ये दुनिया रहने लायक बचेगी नहीं, इसलिए आपको अपने साथ साथ बगल वाले के बारे में भी सोचना पड़ता है। बाइडन की जो जीत थी उसके जो मैं सबसे मेन फैक्टर्स बोलूँ कि जो जीत जिसने ट्रंप को हराया या जिसने बाइडन को जिताया, तो वो थे सबसे बड़ा जो निकला है वो कोरोना वायरस, कोरोना पैंडेमिक में जो कैसे ट्रंप की अथॉरिटीज़ थी वो सारी की सारी फेल हो गई। ये रीज़न था कि सबसे अच्छा मौका मिला बाइडन को जीतने का। दूसरी चीज़ की जो अनइक्वलिटी उत्पन्न हो रही थी या अनइक्वलिटी जो देखी जा रही थी कि एशियंस अफ्रीकन्स और डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन, या फिर ट्रंप की रिलीजन बैन पॉलिसी, जैसे कि ट्रंप ने मुस्लिम बैन पॉलिसी इम्प्लीमेंट की थी, और बहुत से इकोनॉमिक चैलेंजेस आए थे, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कोरोना पैंडेमिक और लॉकडाउन, इनके बाद पूरी दुनिया अनएम्प्लॉयमेंट झेल रही है, पूरी दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस झेल रही है, तो फिर ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि अमेरिकन के पास जॉब नहीं थी, तो बाइडन को एक बहुत अच्छा बूस्टअप मिला इन मुद्दों की वजह से। इलेक्शन आने से पहले हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना इम्पीचमेंट तो बचा लिया था, लेकिन इलेक्शन आने से पहले ये बातें हवा में पूरी तरीके से फैल चुकी थी कि डोनाल्ड ट्रंप अगर इलेक्शन हारता है उसे हारना नहीं है, क्योंकि अगर वो हार गया तो उसके खिलाफ कई सारी फाइलें खुल जाएंगी। अब जैसे कि 26 से भी ज़्यादा एक्यूजन है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ऑन सेक्शुअल मिसकंडक्ट, या फिर हम बोले कि 4000 से भी ज़्यादा केसेस है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ लॉ सूट्स में। रिपब्लिकन्स का जो वोट परसेंट रहा है
और जो डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप ऑलमोस्ट जीत ही जाता क्योंकि उसकी और बाइडन के बीच में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये बोला गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये इलेक्शन अकेले लड़ा। अकेले में इन द सेंस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही टाइम में अपने कई सारे सिक्योरिटी सेक्रेटरी एडवाइजर्स वगैरह को चेंज कर दिया। जो विल्बर रॉस थी द सेक्रेटरी ऑफ द कॉमर्स, वो कहा जाता है कि ये इकलौती ऐसी थी व्हाइट हाउस की जो चेंज नहीं हुई, नहीं तो हर एक बंदे को चेंज कर दिया गया है। और डोनाल्ड ट्रंप के 4 साल के शासन में 6 से ज़्यादा सिक्योरिटी एडवाइजर्स रहे हैं, जिसमें से 2 का जो कार्यकाल था वो तो एक का 7 दिन का था और दूसरे का 8 दिन का था। और मतलब हर एक डिपार्टमेंट की बात करें या हर एक फील्ड की बात करें तो उसमें ज़्यादा लोग टिके ही नहीं। ये रीज़न था कि जो ट्रंप की लीनियंसी थी या फिर ट्रंप की जो डिपेंडेंसी थी वो उसी की फैमिली की तरफ बहुत दिखने लगी। ये रीज़न था कि हमने कई बार जेरेड कोशन, इवांका ट्रंप, मिलानिया ट्रंप या फिर डोनाल्ड ट्रंप जूनियर को देखने, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के पास हमें पावर देखने को मिलती है। अक्सर ये बोलते रहते हैं और ये अक्सर बोला जाता है कि जो मीडिया है वो फोर्थ पिलर है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के पास। लेकिन कई बार ये देखने को भी मिलता है, जैसे मैं बात नहीं करूँगा, कि वो गवर्नमेंट के साथ मीडिया हाथ मिला लेता है और मीडिया खुद करप्ट हो जाता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो सबसे बड़ा रीज़न था, जो मैं कहूँगा सबसे बड़ा रीज़न यही था कि डोनाल्ड ट्रंप की हार का, वो ये था कि मीडिया, हर एक मीडिया डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़ा हो गया। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मीडिया इस हद तक खड़ा हो गया था कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की चल रही लाइव डिबेट को बीच में ही कट करके बंद कर दिया कि सॉरी अब हम आगे नहीं दिखाना चाहते। या फिर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हमने ये देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप जब ट्वीट कर रहे थे स्टॉप द काउंट या कई सारे ऐसे ट्वीट करने पे लग रहे थे, उसके बाद ट्विटर तक ने उसके सारे ट्वीट्स ब्लॉक कर दिया, उनके सारे ट्वीट्स डिलीट करना शुरू कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो इतने भी लेट शोज होते थे या फिर ऐसे जितने भी रियलिटी शोज होते थे वो सब पूरी तरीके से अग्रेसिव मोड में दिखाई दिए कि वो सब खिलाफ है डोनाल्ड ट्रंप के। डोनाल्ड ट्रंप के सारे मिस फेलियर्स या फिर मिस कंडक्ट्स जितने भी थे उन सबको सामने एस एट एस रखा गया था। डोनाल्ड ट्रंप एक टाइम पे फ्रस्ट्रेट भी होता गया था कि कैसे इलेक्शन की काउंटिंग के वक्त, वोट काउंटिंग के वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप इस वे में प्रेजेंट करने को लगा हुआ था कि मैं ऑलमोस्ट जीत ही गया हूँ, मुझे नहीं पता ये कबाड़ खाने से सारे जो एक्स्ट्रा बैलेट है वो कहाँ से आ रहे हैं। इस इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप हर एक चीज़ पे दाव पे लगाता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉपुलरिटी है उसमें सिर्फ हल्का सा फ़र्क आया है और जो उनके वोट हैं उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, तो एक एस्टिमेशन ये भी लगाया जा रहा है कि 2024 में वो फिर से खड़ा होगा। लेकिन क्या 2024 तक, क्योंकि इतने सारे केसेस हैं जो फाइल्स खुल जाएंगी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, मतलब इतने सारे केसेस आज तक किसी भी यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के खिलाफ नहीं हुए जितने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है जितने केसेस, तो अब हम आगे क्या होगा वो कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, डोनाल्ड ट्रंप का जो एक कह सकते हैं एक चाइल्डिश बिहेवियर वो देखने को मिल रहा है कि कैसे वो अपनी हार मंजूर ही नहीं कर पा रहे। आज भी जो डोनाल्ड ट्रंप का इंस्टा अकाउंट है उस पे प्रेसिडेंट ही लिख के आ रहा है, होप सो ट्रंप विल रियलाइज। हालांकि जो रिपब्लिकन्स हैं वो सेनेट और हाउसेस में तो जीत चुके हैं, रिपब्लिकन सेनेट और हाउसेस में तो आगे चल रहे, बाकी देखे प्रेसिडेंट में तो वो खैर हार चुके हैं। तो अब और डोनाल्ड ट्रंप ने 4 स्टेट्स को सू करने की भी बात की थी, मतलब ऑलमोस्ट जैसे कि हमने बात की थी पिछले वीडियोस में कि कुछ स्विंग स्टेट्स होते हैं यूएसए के अंदर कि कब किसके साथ चले जाए कोई कह नहीं सकता, क्योंकि रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक का जो वोट बैंक है या वोट परसेंटेज जो लोग हैं वो ऑलमोस्ट 50-50% रहता है। बस हल्के से साइलेंट वोटर्स की वजह से या तो वो इधर जाता है या उधर जाता है। तो उन्होंने सू करने की भी बात की है कि इन 4 स्टेट्स को वो सू करेंगे, तो वो मैं इतना ही कहूँगा कि वोटर्स उनकी प्रॉपर्टी नहीं है। तो अगर आपने यूएस इलेक्शन के बारे में और जानना चाहते हो तो पिछला वीडियो मैंने बनाया था जिसमें हमने क्लियरली बात की थी कंपेयर करते हुए इंडियन इलेक्शन सिस्टम प्रोसेसेस के साथ साथ कि यूएस इलेक्शन और इसमें क्या डिफरेंस होता है इंडियन इलेक्शन में और यूएस इलेक्शन कैसे किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए।